अब अपने पास जो ऑर्गेनिक का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड। इसमें इन्होंने कह रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर मैं 57 की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन के मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मैं कंसिडर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 78% है और रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन है, तो अपन जानते हैं कि रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 222% क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इससे क्या निकालना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं कार्बन के परसेंट देखूं और हाइड्रोजन के परसेंट देखूं और इनके एटॉमिक मास की बात करूं तो इसका कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है, तो इसके सिंपल मैं मोल निकालूंगा और सिंपल मोल क्या होंगे, मास डिवाइड बाय 12 और 22 मास डिवाइड बाय 1। तो इसका जो सिंपल मास आ जाएगा वो आ जाएगा 6.1 और ये आ जाएगा 22। इससे क्या होगा, इसका मोलर जो रेशियो होगा, सिंपल मोलर जो रेशियो वो निकाल लेंगे और वो कुछ इस तरह से बच्चों कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 222.65 3.3 आ जाएगा, जिसको मैं ओवरऑल में ये कह दूं होल नंबर में अगर मैं देखूं बच्चों होल नंबर, तो इसका 1 ले लिया मैंने और इसका 3 ले लिया, यानी कार्बन अपने पास 1 आ गया और हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए। तो जनरल इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चों वो आपके आ गया अपने पास में CH3। तो आपके पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं, CH4 CH2 एंड CH3, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी CH3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में, आपको दे रखा है कि स्ट्रक्चर पूछिए 2,6-dimethyl 2,6-dimethyl dec 4-ene की स्ट्रक्चर पूछिए बच्चों, क्या पूछिए आपको स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आपको ये देखिए, पहले डेक बना लीजिए बच्चों, ये तो बन गया अपने पास डेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 2 पर मिथाइल लगा दीजिए, ये लगा दीजिए 2 पर मिथाइल, 6 पर मिथाइल लगा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 6 पे ये मिथाइल लगा दीजिए। अब बचा अपने पास 4 पे ईन, तो 1, 2, 3, 4 ये लगा दिया ईन। तो आपके पास में जो ऑप्शन सेकंड था, ये ऑप्शन सेकंड था वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है, मैच कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है आरबीसी डेफिशिएंसी का, क्या कह रहा हूं, ये है अपने पास में बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आरबीसी डेफिशिएंसी किसमें होती है, तो अपन जानते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें विटामिन B12 की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी इन हीमोग्लोबिन। तो आपके पास में यहाँ पे विटामिन पूछा है, B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन B2 है और विटामिन B1 है। तो बच्चों ध्यान रखना, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं वो आरबीसी डेफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है, यानी किस विटामिन की कमी से ये जो डिजीज होती है, कौन सी, आरबीसी डेफिशिएंसी, जिसको एनीमिया भी कहते हैं, वो डिजीज होती है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होता है बच्चों, B12 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए फटाफट नोट कीजिए और मैच कर लीजिए आंसर्स को बच्चों।